माँ ये पैसे ना मैं यहाँ रख रहा हूँ, आज पता चल जाएगा चोर कौन है। बेटा मुझे तो लगता है ना कि जो हमारी काम वाली है ना यही चोर है, यही चुराती होगी पैसे। माँ उसको देखने से तो नहीं लगता कि वो चोरी कर सकती है, पर जो भी हो आज पकड़ा जाएगा। चल ठीक है मैं अपने कमरे में चलूँ। ठीक। पूजा ये टेबल अच्छे से साफ कर दिया, धूल जमी हुई है, और ये कुशन वगैरह भी सेट कर दिया। जी साहब। पैसे तो है नहीं यहाँ पे। यहाँ नहीं? फिर कहाँ गए? पूजा। जी साहब आई। यहाँ पैसे रखे थे मेरे, कहाँ है? साहब वो पैसे वो तो हमने आपके कमरे में रख दिया, यहाँ हमको सही नहीं लग रहे थे ना, सब आते जाते हैं। चल ठीक है। जी साहब। ने तो नहीं लिए पैसे। क्या पता ये चोर ना हो, या ये भी तो हो सकता है संजू कि इसने हमारी बातें छुपकर सुन ली हो। कोई नहीं, हम एक बार फिर से ट्राई करेंगे। पूरे हैं, इसने आज भी पैसे नहीं चुराए। अगर ये पैसे नहीं चुरा रही तो कौन चुरा रहा है? पूजा। जी साहब। मैंने इस ड्रॉअर में पैसे रखे थे, अब नहीं है, कहाँ गए? साहब हमें तो नहीं पता, इसी में होंगे। क्या हुआ? माँ मैंने इसमें पैसे रखे थे, अब नहीं है। अरे तो कहाँ जाएंगे पैसे? पता नहीं, मैंने सुबह इसमें रखे थे, उसके बाद यही आई थी यहाँ साफ सफाई करने। साहब हम सच बोल रहे, हमने कोई पैसे नहीं उठाए यहाँ से। क्या हुआ है? अरे मैंने इसमें ड्रॉअर में पैसे रखे थे, अब है ही नहीं इसमें, और मुझे लग रहा है कि इसने चुराए हैं। और यही नहीं, इस घर में जितनी भी चोरियां होती थी वो सारी यही करती होगी। पूजा तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? जिस घर में काम करती है उसी घर में चोरी करती है तुम? साहब आप हमारे यकीन कीजिए, हमने कोई चोरी नहीं की है। और हमारे सफाई करने से पहले मेम साहब कमरे में आए थे, तो इन्होंने शायद। तो क्या कहना चाह रही है?
सवरा अपने ही घर में चोरी करेगी। तुझे पता है तू किस पे इल्जाम लगा रही है? मुझ पे। अरे मेरा घर है ये, मैं अपने घर में 5,000 की चोरी करूंगी क्या? सवरा, तुझे कैसे पता मैंने यहाँ 5,000 रुपए रखे थे? अभी तो आपने बोला। मैंने नहीं बोला, मैंने सिर्फ ये बोला मैंने यहाँ पैसे रखे थे, ये नहीं बोला कि कितने रखे थे। सवरा सच सच बता दे, तूने चोरी क्यों की है? क्योंकि तूने अपनी चोरी का खुद सबूत दे दिया है। हाँ, चोरी मैंने की है। तूने चोरी क्यों की? तुझे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि पैसे चुराने पड़े घर से? संजू, तुम्हें तो पता है मेरे पापा की तबीयत कितनी खराब है, और मेरा छोटे वाला भाई कुछ भी नहीं करता। पापा के इलाज में बहुत पैसे लग रहे हैं। मैंने संजू से 2-3 बार पैसे भी मांगे, पर बार बार पैसे मांगने में मुझे शर्म आने लगी। फिर मुझे जहाँ पैसे दिखते थे मैं उठा लिया करती थी और अपने घर पे भेज देती थी। सौरा, कैसी बात कर रही है तू? तुझे मुझसे पैसे मांगने में शर्म आ रही है, लेकिन चोरी करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अरे मैंने तुझे कब पैसे के लिए मना किया है? तूने जब मुझसे पैसे मांगे, जितने मांगे मैंने दिए हैं। और तेरे पापा की तबीयत खराब है, तेरे पापा मेरे कुछ नहीं लगते, तेरे माँ बाप मेरे माँ बाप जैसे है। तू एक बार बोलती तो सही। और तूने ये सब करके है ना हमें तो धोखा दिया ही है। तूने पूजा के साथ भी गलत किया है, इसे चोर साबित करके, क्योंकि तुझे पता था चोरी तूने की है, तूने इल्जाम इस पे लगाया। संजू मुझे माफ कर दो, मुझे उस टाइम कुछ भी समझ में नहीं आया। पापा की तबीयत इतनी खराब थी, मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। मैं मानती हूँ गलती मेरी है, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। पूजा, I'm sorry, मैंने तुम्हें गलत समझा और तुम पे शक किया। कोई बात नहीं साहब, हम गरीब जरूर हैं, मगर हमारे घर वालों ने सीख दी है मेहनत करके कमा के खाने की, ना कि चोरी करने की। और मीन साहब, अगर हमें चोरी करनी होती ना, हम इस तरह दिन रात लोगों के घर में साफ सफाई का काम क्यों करते हैं? मैं समझता हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ तुम्हें सॉरी बोल सकता हूँ, और कुछ नहीं मेरे पास। कोई बात नहीं साहब। पूजा, मुझे भी माफ कर दो। कोई बात नहीं मैम साहब, आपकी गलती नहीं है। जब हमारे घर वाले मुसीबत में होते हैं ना, तब हम सही गलत सब भूल जाते हैं। उस समय हमें जो सही लगता है ना, हम वही करते हैं, तो आपकी गलती नहीं है। और तुम अभी रेडी हो जाओ, हम अभी तुम्हारे पापा के पास चल रहे हैं, और उनके इलाज में जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा। और तुझे आज के बाद मुझसे पैसे मांगने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस घर में ना कुछ मेरा है ना तेरा है, यहाँ जो कुछ है वो सब हमारा है। याद रखूंगी।